न्याय की दर ऊंची, विकास का दर घटते जा रहा था, विदेशी मुद्रा बहुत कम रह गई थी, एक विश्व में भारत की तरफ हीन भावना से लोग देखते, लोगों को विश्वास नहीं था कि भारत आगे चल के कुछ बड़े काम कर सके। हम पासपोर्ट लेके किधर जाते तो आपको याद होगा किस दृष्टिकोण से हमें देखा जाता था। एक्सपोर्ट निर्यात लगभग फ्लैट चल रहा था, कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, एक प्रकार से देश का मनोबल कमजोर हो गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 से 24 ये 10 वर्ष के दशक में कार्यकाल में तीन प्रमुख स्तंभ पर अपना काम किया, देश को आगे बढ़ाने के लिए तीन प्रमुख स्तंभ पर उन्होंने देश के लिए सेवा करी, योगदान दिया। पहला, उन्होंने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कठोर कदम उठाए, गुड गवर्नेंस हर एक क्षेत्र में लाने का प्रयास किया, गरीबों के कल्याण के लिए अनेकों अनेक योजनाएं लाए और भारत को एक कमजोर फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी से टॉप 5 इकोनॉमी में लाने का काम किया। 11वें रैंक से आज हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व की बने। अगले 3-3.5 वर्ष में मोदी जी के तीसरे टर्म में 100% गारंटी है कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये काम, ये कई सारे कदम उठाए। वेलफेयर एसोसिएशन ने पूरा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया हुआ है, हमारी पूरी कोर कमेटी इसके अंदर 12-15 लोग हैं, ठीक है। अभी 2014 से देखने को जावे तो हमारा आदर्श परिवार और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है गूगल के नक्शे पे शाइन मार रहा है, क्योंकि वोट कहाँ जा रहा है सबको पता है, ठीक है। तो उसको ज़्यादा इस टाइम को ज़्यादा शाइन करने के लिए हम लोग ने मीटिंग लगाई है। पीयूष गोयल जी यहाँ पे खड़े रहे हमारे यहाँ सर। सेकेंडली, मोदी जी का जो सपना है 400 पार, तो उसके अंदर हमको ये देखना है, मेहनत करना है सबको मिल के, कि पूरे यंगस्टर्स को और फर्स्ट टाइम वोटर्स को एजुकेट करना है, नॉलेज देना है, ताकि 400 पार के अंदर हमारे आदर्श परिवार का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमको चाहिए, ठीक है। तो आज की मीटिंग में ज़्यादातर हम लोग यंगस्टर्स को भी बुलाया है एजुकेट करने के लिए, बिकॉज वो लोग का एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। वो लोग एजुकेट होएगा तो समाधान होएगा, समाधान होएगा तो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, कहाँ वोट जाएगा पता है सबको। तो इस बार हमको मोदी जी का सपना पूरा करना है, 400 पार लाना है 4 जून को। सर, कार्यक्रम जिस तरह से देखा गया है कि हॉल में या कहीं मैदान वगैरह में होता है, लेकिन पर्टिकुलरली आपके इस आदर्श वेलफेयर एसोसिएशन में आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर, किस तरह का उनका आपसे कॉन्टैक्ट हुआ? देखिए, ऐसे तो बेसिकली हम लोग इधर 15-20 सालों से आदर्श वेलफेयर एसोसिएशन काफ़ी कार्यक्रम लोग करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और कोई ना कोई जो इम्पोर्टेंट कार्यक्रम रहता है हमारे बिल्डिंग रुस्तम जी आदर्श हेरिटेज में यहाँ पे होता है, तो हमारा हेरिटेज का भी टीम वर्क बहुत बढ़िया है। 15-20 हम लोग फैमिली है यहाँ पे, सबका सपोर्ट बहुत अच्छा रहता है। हम लोग ने नक्की किया सब में मिल के यहाँ पे करेंगे, हमारे पे जगह भी काफ़ी अच्छी है और सबका सपोर्ट भी अच्छा है, तो वही हिसाब से यहाँ पे थोड़ा कम्फर्ट हमको ज़्यादा रहता है। तो सर, जिस तरह से आपने अभी कितने लोग की उपस्थिति हो सकती है यहाँ? 300-400 लोगों की उपस्थिति हो सकती है यहाँ पे। उसी की तरह हम लोग ने वो चेयर की अरेंजमेंट की है, खाने पीने की व्यवस्था भी किए हुए, देखते हैं अभी 8 बजे। सर, अच्छा, इसमें 300-400 जैसे आपने कहा है, क्या वाकई में अब इस बार जलवा दिख सकता है 15 नरेंद्र मोदी जी का 400 जिस तरह बात चली? उसमें कोई डाउट ही नहीं है। इस बार इधर 2024 का तो सवाल ही खड़ा नहीं होता है, 2029 की तैयारी करनी है, 2024 कन्फर्म है। संसद गोपाल शेट्टी ने 4-5 लाख की जिस तरह से लीड की थी, क्या वाकई में पीयूष गोयल का भी जलवा यहाँ पे दिखेगा? 100% दिखेगा, बिकॉज यहाँ की जनता को पता है, यहाँ के एरिया के सब लोगों को पता है, ये बीजेपी के जो काम करने का तरीका है, डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, यंग